नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ ज्योति। सोशल मीडिया के इस दौर में आए रोज ट्विटर या फेसबुक पर कोई ना कोई ऐसी वीडियो आ ही जाती है जिसमें भीड़ ने किसी व्यक्ति की जान ले ली। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी को बॉम्ब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर खुला पत्र लिखने वाले 3 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इस मामले में खुला पत्र लिखने वाले रामचंद्र गुहा, मणि रत्नम और अपर्णा सेन समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि देश में बढ़ रहे मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या के मामलों पर इन लोगों ने चिंता जाहिर करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिख देश की हालत से अवगत कराया। वहीं पत्र में लिखा गया था कि मुस्लिमों, बहुजनों और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ हो रही लिंचिंग की घटनाएं तुरंत रुकनी चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े देखकर हम चौंक गए कि साल 2016 में देश में बहुजनों के साथ कम से कम 840 घटनाएं हुई। इसके साथ ही हमने उन मामलों में सजा के घटते प्रतिशत को भी देखा। मॉब लिंचिंग करने वालों को रिहा किया जा रहा है, मंत्री जी द्वारा हत्यारों को माला पहनाई जा रही है और मॉब लिंचिंग से चिंतित लोगों को पीएम मोदी के पत्र लिखने पर FIR दर्ज की जा रही है। ये वही सपनों का भारत है जिसे मोदी जी नोटबंदी के बाद से बना रहे हैं ठोको ताली। क्या हो रहा है देश में? मॉब लिंचिंग पर पत्र लिखने वालों पर FIR हो रही है। अंडरवर्ल्ड के भाई को टिकट मिले जा रही है। लिंचिंग, विकास, GDP, महिला, किसान पे सवाल उठाओ तो देशद्रोही हो जाओ। पाकिस्तान और लिंचिंग का समर्थन करने वाले देशभक्त बनाए जा रहे हैं घोर कलयुग। स्थानीय वकील सुधीर कुमार ओझा का आरोप है कि इन अस्थियों ने देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को कथित तौर पर धूमिल किया है। स्थानीय वकील सुधीर कुमार ओझा का आरोप है कि इन अस्थियों ने देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को कथित तौर पर धूमिल किया है। वहीं इस मामले में प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें राजद्रोह, उपद्रव करने, शांति भंग करने के इरादे से धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। वहीं ये कहना लाजमी होगा कि जब कुछ लोग चुनिंदा तरीके से सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हैं तो इसका मकसद सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों को बदनाम करना है। वहीं जब नक्सली वंचितों को निशाना बनाते हैं तब सरकार क्यों चुप रहती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।